स्वागत है मार्केट टाइम टीवी में। मैं मुकेश सोनी, आज छिंदवाड़ा की सब्जी मंडी हम पहुंचे हैं। यहां पर लहसुन के थोक सबसे बड़े व्यापारी जिले के अशोक साहू जी से हम बात करेंगे। लहसुन का क्या रेट चल रहा है और आने वाले समय में इसका क्या भाव होगा? तो सर, हम जानना चाहेंगे कि अभी क्या भाव चल रहा है लहसुन का? लहसुन का रेट यहाँ पर बिक रहा है 100 रुपये से लेके 170 रुपये किलो तक बिक रहा है हमारे लहसुन। अभी आवक कैसी है इसकी? आवक मीडियम है, जितनी बाज़ार की खपत उस हिसाब से बिक रहा है। जैसे अभी हम देख पा रहे हैं, ये हमारा एक जो लड्डू पैटर्न का माल है, ये बिक रहा है यहाँ पे 120 रुपये किलो। इससे ऊंची क्वालिटी का माल है, ये बिक रहा है 150-160 रुपये किलो। इसमें ये हमारा डबल बम माल है, ये बिक रहा है मशीन से ग्रेडिंग की माल है, ये बिक रहा है 160-170 रुपये किलो। और इससे छोटा वाला जो माल निकल रहा है वो 80 रुपये किलो यहाँ पर बिक रहा है छिंदवाड़ा में। अभी पिछले 4 दिन से लहसुन की बिक्री थोड़ी ठीक लग रही है और माल स्पीड से उठ रहा है। अपने यहाँ अभी लोकल का लहसुन आ रहा है या फिर बाहर से? लोकल की क्वालिटी बोले तो लोकल की क्वालिटी तो प्राय कम हो चुकी है। अब ये लहसुन अभी हमने सागर क्षेत्र से बुलाया, इसकी सेल रोज एक गाड़ी की हमारी दुकान पे हो रही है। कितना यहाँ पे इंपोर्ट है और कितना एक्सपोर्ट हो रहा है? एक्सपोर्ट तो अब होने का नहीं है, यहाँ पे माल बाहर से बुला के बाजार की पूर्ति करना पड़ रहा है। तो अभी यहाँ पे 15-20 टन माल हम रोज का बाहर से मंगवा रहे हैं और वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है लहसुन? उम्मीद तो दिन पे दिन बाजार टाइट ही होती जा रहा है। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, अभी पिछले हफ्ते में जो माल हम 80 रुपये बेच रहे थे वो आज 100 रुपये बेचा, जो हमने 150 बेचा था वो 170 रुपये आज हमने बेचा है। तो बड़ा माल जिन किसानों के पास है, जिन जिलों में अभी लहसुन रुका हुआ है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है उनको अच्छा दाम मिलेगा? हाँ, लहसुन में तो तेज़ी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। लहसुन में कोई ऐसा मद्दी का दौर नहीं है कि अब कोई बाज़ार कम होना है। फसल तो सभी जगह की निकल चुकी है, राजस्थान भी निकल गया है, आपका इधर भी निकल गया, पंजाब की भी एक नई फसल आई है, पंजाब का भी हमको सुनने में आ रहा है, वहाँ पर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का लहसुन हो रहा है। मगर वहाँ भी बाज़ार कम नहीं है, 150-160 रुपये पंजाब में ही लहसुन बिक रहा है अच्छी क्वालिटी। क्या उसको लाके हम यहाँ बेचेंगे तो वो हमको 180 रुपये हमको आके यहाँ पर पड़ेगा वो लहसुन। क्या वजह है दाम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे? बस माल जो मार्केट में जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से माल है, इसलिए रेट बढ़ रहा है। यदि वही माल यदि ज़्यादा क्वान्टिटी में होता मार्केट में किसानों के पास, तो उसका रेट और डाउन होता चला जाता। कहीं मौसम की मार या ऐसा कुछ शॉर्टेज? नहीं, मौसम की मार ऐसा जो है लहसुन में थोड़ा रोग लगा था, रोग की वजह से लहसुन जो है उसकी क्वालिटी मतलब लो बनी, मतलब साइज जो है साइज थोड़ा छोटा बना साइज का। तो हमारी 1 एकड़ में लहसुन जैसे यहाँ पे 50 क्विंटल निकलना चाहिए, उसकी पैदावार यहाँ 30 क्विंटल निकली शॉर्टेज की वजह से। शॉर्टेज, हाँ, उपज कम रही किसानों की, किसानों को रेट अच्छा मिला इसलिए किसान संतुष्ट है। यदि भरपूर फसल मिलती तो उसी का रेट उसका आधा मिल जाता। रेट अभी उसको अच्छा मिल रहा है, फसल थोड़ी कम हुई तो अभी भी संतुष्ट है किसान। धन्यवाद। तो ये हमने जाना कि किसानों का जो रेट है अच्छा मिल रहा है और इससे किसान संतुष्ट है। आने वाले समय में यदि जिन किसानों के पास लहसुन है उन्हें और इसके अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। मैं मुकेश सोनी, मार्केट टाइम टीवी, छिंदवाड़ा से।